नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 7,720 लेखपालों को बुधवार को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत इन लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, उनके हित के लिए सरकार पूरी ताकत लगा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहीं ना कहीं नव चयनित लेखपालों की नियुक्ति पत्र के वितरण में रोड़े अटकाने के प्रयास हुए, लेकिन एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक प्रक्रिया या जिला आवंटन की प्रक्रिया तक किसी को भी सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी होगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बिहार के मोतिहारी से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में पीछे से दूध कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि इसके बाद बस और टैंकर दोनों एक्सप्रेसवे पर पलट गए। इस भीषण सड़क हादसे में बस में सवार 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को बागरमऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे को लेकर शोक जताया है। पीलीभीत जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। शहर से लेकर देहात तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की टीम राहत बचाव के लिए लगी है। जिले में हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री अभयपुर जगतपुर में बाढ़ राहत शिविर में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथरस कांड पर पेश की गई एसआईटी रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में मुख्य आयोजक भोले बाबा पर खामोशी चिंता का कारण है। पूरे घटनाक्रम में उसे क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया है। हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है, किंतु एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। ये अति दुखद है। भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो मुंबई और लखनऊ के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को प्रभावित करेगी। भूसावल खंडवा रेलखंड पर खंडवा यार्ड में आवश्यक रीमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण 9 जुलाई से 24 जुलाई तक लखनऊ मंडल से होकर गुजरने वाली 20 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। यह निर्णय रेल सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए लिया गया है, लेकिन इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग ऐसे बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाएगा जो लंबे समय तक स्कूलों में अनुपस्थित रहते हैं। विभाग के अनुसार अगर बच्चा 3 दिन लगातार स्कूल नहीं आया तो बुलावा टोली घर जाएगी। इसके साथ ही परिषदीय विद्यालयों में अब लगातार 30 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहने वाले और किसी भी परीक्षा में 35% से कम नंबर लाने वाले छात्रों को आउट ऑफ स्कूल की श्रेणी में रखा जाएगा। शासन ने आउट ऑफ स्कूल की परिभाषा में बदलाव करते हुए स्कूलों को बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में बुधवार को 10 अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। जिन अफसरों के तबादले किए गए हैं उनमें प्रवीण सिंह चौहान, अनित कुमार, अवनीश कुमार, असीम चौधरी और प्रदीप कुमार वर्मा हैं। इसी तरह वीरेंद्र कुमार प्रथम, पीयूष कुमार सिंह, देवेश कुमार शर्मा, मनोज कुमार यादव और कृष्णकांत सरोज हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।